हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। टॉपिक अपना चल रहा है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, मेरे पास दो क्वेश्चन के डाउट आए हैं। ट्राई करूंगा कि दोनों क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का आप खोल के देखेंगे, मनोज एंड नंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पांच जनरल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो बेटा, यहां पे पार्टनर हैं मनोज एंड नंद, मनोज एंड नंद, और इनका जो पीएसआर है वो है 3:2। इनका पीएसआर जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 3:2। ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व stood at rupees 1 lakh and there was no liability towards workman compensation reserve। तो यहां पे आपका जो workman compensation reserve जो है वो कितने का है, 1 lakh का, और इसका जो claim है यानी कि जो liability है उसके बारे में कोई information नहीं है। लाइबिलिटी के बारे में बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि लाइबिलिटी कितनी है। तो मैं यहां पे लाइबिलिटी को अज्यूम करता हूं जीरो। लाइबिलिटी को अज्यूम क्या कर रहा हूं, जीरो। अगर क्लेम दिया हुआ है और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, इसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या पोस्ट करेंगे बेटा, जर्नल एंट्री इसके लिए हो जाएगी आपकी, क्योंकि क्लेम नहीं है तो सारा का सारा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप सिंपली लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा आप लोग पूरा कंप्लीट लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर जो भी है उनको दे देंगे हम, मनोज कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है नंद, तो नंद कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब कितना अमाउंट है 1 lakh, कितना अमाउंट है 1 lakh, रेशियो क्या है, उनकी रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। टोटल पार्ट कितने होंगे, 5, 1 lakh के 5 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आएगा 20,000 का, तो इसका हो गया 60,000 और इसका हो गया 40,000, इसका हो गया 60 और इसका 40। फर्स्ट केस की एंट्री इस तरीके से करेंगे। सेकेंड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट रुपीज 1 lakh एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वॉज असर्टेन्ड एट रुपीज 75,000। अब यहां पे क्या है बेटा, यहां पे रिजर्व जो है और जो क्लेम है, मैं दोबारा से लिखूंगा यहां पे, अब यहां पे रिजर्व कितने का है, वही सेम 1 lakh का, और क्लेम कितने का आ गया यहां पे 75,000। क्लेम कितने का आ गया बेटा, 75,000 रुपीज। तो अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 1 lakh का, लाइबिलिटी कितनी आई 75,000 की। तो मैंने आपको ये बोला जो फ्री रिजर्व होता है वो बांट दिया जाता है, जो फ्री रिजर्व होता है वो बांट दिया जाता है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी खत्म करना पड़ेगा बुक्स में से, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, उसको डेबिट करके। वर्क रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, अगर मैं इसको डेबिट कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा। तो आप यहां पे ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 lakh, और जितने का क्लेम आया है वो ट्रांसफर कर देंगे आप रियलाइजेशन, तो यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप एक तरीके की लायबिलिटी हो गई, क्या हो गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज को मैंने आपको क्या बोला, ट्रांसफर काम करते हैं रियलाइजेशन में। तो क्लेम आया 75,000, तो 75,000 तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट देंगे, तो लिखेंगे टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नंस कैपिटल अकाउंट, टू नंस कैपिटल अकाउंट, मनोज और नंद की कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिख देंगे। कितना बच गया, 1 lakh का रिजर्व था, लायबिलिटी है 75,000, बैलेंस पेंडिंग कितना है 25,000। ये 25,000 इन दोनों के बीच में बांटेंगे इनकी रेशो में, तो एक पार्ट आएगा 5,000 का, तो ये हो गए 15,000 और ये हो गए 10,000। ये इसकी आपको एंट्री पोस्ट करनी है, ये एंट्री पोस्ट करनी है बेटा इसकी आप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
stood at rupees 1 lakh and liability in respect of it was ascertained at rupees 1,20,000. अब क्या होगा बेटा यहां पे? अब रिजर्व तो है 1 लाख का और क्लेम कितने का आ गया बेटा? क्लेम आ गया आपके पास, क्लेम कितना आया है? अब उल्टा हो गया यहां पे, क्लेम आ गया आपके पास 1,20,000 का। क्लेम कितने का आ गया? 1,20,000 का। तो अब यहां क्या किया जाता है बेटा? लायबिलिटी की बुक वैल्यू ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, जितना उसके लिए पे करना पड़ेगा वो ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो यहां पे रिजर्व कितने का? 1 लाख। क्लेम चाहे 1,20,000 का आ गया, ट्रांसफर करेंगे हम इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से? 1 लाख। और ट्रांसफर कहां हो जाएगा? ये रियलाइजेशन अकाउंट में। जितना रिजर्व है मैक्सिमम उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लेम चाहे कितना भी आ जाए। क्लेम अगर रिजर्व से ज्यादा आ जाता है तो मैक्सिमम हम ट्रांसफर कितना कर सकते हैं? जितना आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। तो उस केस में आपकी एंट्री पोस्ट ये हो जाएगी। नेक्स्ट केस है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट रुपीज 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वॉज असर्टेन्ड एट रुपीज 1 लाख। यहां पे अब आपको चेंज करना है, यहां पे आपको चेंज क्या करना है? रिजर्व कितने का? 1 लाख का। और क्लेम इसके बराबर कितना आ गया? 1 लाख। रिजर्व भी कितना है? 1 लाख। क्लेम भी कितना आया? 1 लाख। सेम एंट्री आप पोस्ट कर देंगे, सेम एंट्री आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 2 का कि सर हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिक्कत हो रही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सिंपल, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। लास्ट टॉपिक जो कराया था आपको एक्सपेंसेस का, उसी के ऊपर आपको याद रखना है और क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8,000, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 8,000। बेटा मैंने आपको 4 केस करवाए हैं, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय फर्म, एक्सपेंसिस ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंसिस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म, और लास्ट आपको कराया था एक्सपेंसिस ऑफ पार्टनर पेड बाय पार्टनर। जो लास्ट केस है उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि खर्चा किसका और पे किसने किया? तो बेटा अगर सिंपल लिखा हुआ आता है एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 8,000, इसका मतलब ये क्या है? एक्सपेंसिस ऑफ फर्म एंड पेड बाय फर्म। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका क्या है? फर्स्ट केस। तो मैंने आपको वहां पे क्या एंट्री करवाई है? फर्स्ट केस के अंदर क्या एंट्री करवाई है मैंने आपको? मैंने आपको लिखवाया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मैंने आपको लिखवाया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश दे रखा है, अदरवाइज टू बैंक अकाउंट। पे कर देंगे हम 8,000 और 8,000। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंट्री। समझ आया? फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे अब हम। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने हैं केस कैसे कैसे हैं। सेकंड में लिखता है वो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,000 वर पेड बाय अ पार्टनर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 10,000 पेड बाय अ पार्टनर, पेड बाय अ पार्टनर। अब मैं आपको केस बताता हूं, केस कौन सा है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय पार्टनर, यानी कि ये आपका केस बनेगा, सेकंड केस आपका होगा ये। इसका मतलब क्या था? एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर, ये आपका सेकंड केस है। जो एंट्री लिखी हुई है वही एंट्री पोस्ट होगी। खर्चा किसका था? फर्म का। तो फर्म क्या करेगी? डेबिट किसको करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट किसको करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पे, किसने कर दिया? पार्टनर ने। तो पार्टनर को अब हमें वो पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब उसके कैपिटल में क्या करने पड़ेंगे? प्लस। तो यहां पे आप पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं दे रखा है इसलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा। अगर पार्टनर का नाम दे रखा होगा तो आप नाम लिखेंगे। कितने हैं वहां पे? 10,000 और ये आपके 10,000। एंट्री कंप्लीट, एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखता है वो, नेक्स्ट में लिख रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय फर्म। मैं आपको यहां लिख देता हूं सारा सामने लिख के और उसके बाद आपको केस आइडेंटिफाई करके बताऊंगा, फिर आपने करना है इसको। नेक्स्ट में वो क्या लिख रहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर बट पेड बाय फर्म, बट पेड बाय फर्म। अगर आप ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, केस आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 12,000 वर टू बी मेट बाय, वर टू बी मेट बाय, वर टू बी पेड बाय तुषार अ पार्टनर। मतलब कि एक्सपेंसेस किसके थे? एक्सपेंसेस किसके थे? एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर। एक्सपेंसेस किसके थे? पार्टनर पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म। थर्ड केस, थर्ड केस आपको लिखवाया हुआ। एक्सपेंसेस किसके हैं? पार्टनर के पे कौन कर रही है? फर्म। तो जब हम पार्टनर के लिए कुछ भी पे करेंगे इसका मतलब वो पैसा हमने पार्टनर से लेना है, वो पैसा हमने पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। पार्टनर का नाम दिया हुआ है तुषार, तो यहां पे मैं लिखूंगा तुषार, तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सिर्फ अगर खर्चा फर्म का है तब तक आप रियलाइजेशन को डेबिट करते हो, जैसे ही वो खर्चा पार्टनर का हो गया हमने रियलाइजेशन को डेबिट करना बंद कर दिया। कितना हो जाएगा ये? 12,000। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट में अब क्या लिखता है वो? नेक्स्ट में बोलता है सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही हैज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट केस है सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 10,000 एंड ही हैज टू मेट ऑल रियलाइजेशन, ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इस लाइन को अगर आपने ध्यान से पढ़ाओ तो यहां पे क्या बोल रहा है कि सुरेश को हमने एक रेमुनरेशन यानी कि चाहे कमीशन बोलो चाहे सैलरी बोलो, हमने उसको एक रेमुनरेशन दी कितने की? 10,000 की। और उसको ये बोला कि भाई साहब जितने भी खर्चे होंगे डिसॉल्व करने पे फर्म को वो सारे आप बियर करोगे, वो सारे आप बियर करोगे। तो बेटा फर्म का खर्चा तो हो गया ना, फर्म ने पार्टनर को तो दिए ना 10,000 रुपए। उन्होंने ये बोला 10,000 में आप ठेका ले लो हमारे से, आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट ले लो कि डिसॉल्व फर्म को आप करोगे, चाहे आपके पैसे लगे 2,000 चाहे आपके लगे पैसे 20,000, हम कितने पैसे आपको देंगे? 10,000। हम कितने पैसे देंगे आपको? 10,000। तो फर्म के लिए बेटा यहां पे खर्चा कितना हो गया है? 10,000 हो गया। और वो खर्चा हमने देना किसको है? पार्टनर को। तो इसके लिए आपको एंट्री क्या पोस्ट करनी है, क्योंकि हमारा खर्चा है फर्म के लिए तो हम उसको क्या करेंगे? रियलाइजेशन को डेबिट। और ये खर्चा देंगे हम किसको? पार्टनर को। तो हमने ये पैसे पार्टनर को देने हैं, तो आप यहां लिखोगे टू सुरेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितने में बात हुई है उससे? 10,000। इसकी एंट्री ये पोस्ट करनी है आप, इसकी एंट्री आप ये पोस्ट करोगे। लास्ट वन इज
इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, इसमें केस को मर्ज किया गया, दो केसेस को मिक्स किया गया। अब यहां पे वो क्या लिख रहा है, यहां पे वो लिखता है विरुआ पार्टनर, विरुआ पार्टनर वो स्पेड रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 15,000 एंड ही हैज टू ही वॉज टू मेट ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 which were paid by the firm. अब यहां देखो ध्यान से, वीरू एक पार्टनर है जिसको हमने एक रेमुनरेशन दिया कितने का, 15,000 का, और उसको क्या बोला कि सर रियलाइजेशन के जितने भी खर्चे होंगे वो आपको बियर करने, रियलाइजेशन के जितने भी खर्चे होंगे वो आपको बियर करने हैं। असल में एक्सपेंसेस कितने हुए, 20,000 के, जो कि पे किसने कर दिए बेटा, पे किसने कर दिए फर्म ने। अब इसके अंदर दो केस है, पहले यहां तक एक अलग बात है जो अभी मैंने आपको करवाई है, उसकी एंट्री आप करेंगे यहां पे, दो पार्ट्स में मैं आपको एंट्री करवाता हूं। पहली एंट्री आप क्या करोगे, जो हमने वीरू को अपॉइंट किया उसकी एंट्री करेंगे कि वीरू को हमने 15,000 देने हैं, तो फॉर्म के लिए जो एक्चुअल खर्चा है वो कितना है, 15,000, जो कि हमने किसको देना है, वीरू को। तो मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वीरूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने ये पैसे वीरू को देने हैं, अभी उसको ये बोला है कि आपको हम कितने पैसे देंगे, 15,000। और इसके लिए आपको काम क्या करना है कि जितने भी फॉर्म के खर्चे होंगे फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, वो सारे आप बियर करोगे। असल में हुआ क्या, खर्चे कितने हुए, अब ये 20,000 खर्चा किसका है, अब ये 20,000 किसका है, फॉर्म का या पार्टनर का, ये 20,000 का खर्चा किसका है, फॉर्म का या पार्टनर का। हमने तो वीरू को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि सर फॉर्म को डिसॉल्व करो, 15,000 हम आपको देंगे, तो फॉर्म के लिए खर्चा कितना हुआ, 15,000, उसने उसके लिए एंट्री पोस्ट कर दी कि हमने वीरू को देने हैं, लेकिन खर्चा हुआ कितना, 20,000। वो पे किसने करना था, वीरू ने, तो एक्सपेंस किसका था, वीरू का, पे किसने कर दिया, फॉर्म ने। तो अब यहां पे हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, खर्चा किसका था, वीरू का, तो हम यहां पे लिखेंगे वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहें। समझ रहे हो बात को बेटा, फॉर्म का खर्चा कितना था, फॉर्म का खर्चा था 15,000, और वो 15,000 फॉर्म ने किसको देने थे, वीरू को देने थे, कि वीरू आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, अब जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपके होंगे, तो आपको पहले तो उस 15,000 के लिए एंट्री करनी है, और उसके बाद असल में खर्चा कितना हुआ, 20,000, वो खर्चा किसका था, वीरू का, लेकिन पे किसने कर दिया, फॉर्म ने, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर पेड बाय फॉर्म एंट्री, ठीक है। अब इसका एक ऑल्टरनेट और है, इसका एक ऑल्टरनेट और है, आप चाहें तो इसकी एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, या तो ये दो एंट्रीज करें या फिर आप एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे जो चीजें डेबिट हो रही हैं और जो क्रेडिट हो रही हैं उसको कॉमन फाइंड आउट करके और एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो मैं यहां लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 15,000 से, ठीक है। अब देखो वीरू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, मतलब वीरू को हमने पैसे देने कितने हैं, 15, और उससे लेने कितने हैं, 20, तो इसका मतलब 5,000 हमारे लेने बनते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब वीरू का कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा,
डेबिट कर दूंगा क्योंकि अब हमने उससे पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 5,000। और कैश हमारे से गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। टू कैश या फिर बैंक अकाउंट कितना हो गया? ये 20,000। दोनों में से बेटा जो भी आप चाहें वो आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। चाहे तो फर्स्ट, अगर ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो दो एंट्री करो, अगर आपको फर्स्ट में दिक्कत हो रही है तो आप नीचे आ जाओ और कंबाइन एंट्री कर दो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप फिर मेरे को डाउट्स बताना, फिर मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताएं कि सर हमारे को इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।